हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस एप्पल सपोर्ट। तो आज के इस वीडियो में एक और नया एफएलपी लेकर आ चुका हूं, पर ये डीजे सॉन्ग नहीं है, ये डीजे ट्रैक का एफएलपी है। जो सॉन्ग है ये बहुत पुराना सॉन्ग है, गुड्डू रंगीला आई थिंक इसी का सॉन्ग है। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे कि आप डीजे ट्रैक पर वीडियो लाइए, तो सोचा कि डीजे ट्रैक तो काटना सिखा ही दिया हूँ, पर अभी तक डीजे ट्रैक का कोई भी एफएलपी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं किया हूँ। तो एक मेरा भी एफएलपी यूज़ करके देखिए क्या लगता है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा आई होप कि। तो देख लीजिए, डीजे ट्रैक काटना तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल में जाकर देख लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने किया क्या है, सिर्फ इसमें कट कट करके इसमें वोकल सिर्फ रिमूव किया जाता है। अगर आप एक डीजे रिमिक्सर है यानी कि सॉन्ग का रिमिक्सिंग जानते हैं कि अच्छे तरीके से किस तरह से सॉन्ग का मिक्सिंग किया जाता है, तो आपको इसमें और ही ज़्यादा आसानी मिल जाएगा डीजे ट्रैक काटने का। अगर फर्स्ट बार आपने मेरे चैनल पर विजिट किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा हो कि जो भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुँचता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, फर्स्ट में जो म्यूज़िक होता है सिर्फ म्यूज़िक को रख कर और बाकी सब जितना भी रहता है उसका वोकल क्लियर कर दिया जाता है, यानी कि कट करके हटा दिया जाता है। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है कि डीजे ट्रैक कैसे काटा जाता है, तो आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि चैनल में वीडियो भी डालना है मतलब कि एडिट करना, फिर उसको कॉपी करना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट में मैं अपना अपलोड कर देता हूँ, ना टैग वगैरह कुछ नहीं। आप चैनल में जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए कि किस तरह से डीजे ट्रैक का पैटर्न बनते हैं और कैसे उसका मास्टरिंग वगैरह, वो सारा भी वीडियो मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ इसको किस तरह से बज रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इस एफएलपी में पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो आपको वीडियो में कहीं भी शो करा दिया जाएगा, एक स्टेप में पासवर्ड होगा। तो चलिए यहाँ पे तो हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब कि आपको बीट तो सुना ही दिया कि किस तरह का बीट से बीट है इसमें, और ये आपको पता ही होगा कि कितना पुराना ये सॉन्ग है, मतलब मेरे देखने से ये 10 साल इसका पुरने वाला है सॉन्ग का। अभी तक किसने भी इसका डीजे ट्रैक नहीं काट कर दिया है, पर मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इसका मास्टरिंग जो है, मास्टरिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक इस टाइप से हटाया गया है। तो ये हमारा मास्टरिंग है, फ्रूटी बैलेंस, फ्रूटी डीबी मीटर और फ्रूटी पैरामेटिक ईक्यू मिक्समस और फ्रूटी लिमिटर, इतना 5 2 मिलाकर जैसे मास्टरिंग इसका किया गया है। अब देखिए इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह से हटाया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए डबल फ्रूटी पैरामेटिक ईक्यू 2 और एक फ्रूटी पैरामेटिक ईक्यू, एक फ्रूटी रिवर्ब, और यहाँ से देख लीजिए कुछ इस तरह से गिराया गया है। और ये हमारा एफएक्स है और ये मेरा डीजे का वॉइस है। आपको इस एफएलपी में मेरा डीजे का वॉइस मिल जाएगा, अगर आप मेरे नाम के हैं तो आपके लिए और बेटर हो जाएगा, मतलब कि आप मेरे बोलते हैं डीजे वॉइस यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा एंड में सुना देता हूँ और पासवर्ड आई होप कि मिल जाएगा आपको। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये एफएलपी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अदर कुछ एफएलपी चाहिए, मतलब कि डीजे ट्रैक ही एफएलपी चाहिए, ज़्यादा पुराना सॉन्ग है, तो उस पर भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एफएलपी ला दूंगा, आपको कट करके दे दूंगा किस टाइप से उस पर एफएलपी आपको बनाना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, हाँ हेलो,